हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। ये देखिए रिज से शिमला का नाइट व्यू। आज हम पहली बार शिमला के रिज मैदान पर न्यू ईयर ईव पर आए हैं और आने के बाद मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत। हाय एवरीवन, मैं प्रिया एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आज हम आए हैं शिमला के वॉल रोड और बीच पर। नए वर्ष के इंतजार में शिमला की सर्दी में गर्म कपड़े पहने हुए सारे टूरिस्ट, हम और आप सारे इंतजार कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर का। ये देखिए बच्चे भी कितने आनंद लेते हुए यहाँ पर फाउंटेन के पास, और साथ में यहाँ पे काफ़ी तेज़ म्यूज़िक भी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। सेलिब्रेशन पे हम लोग आए हुए हैं शिमला के रिज मैदान पर, और यहाँ पे आज हम लोग आपको दिखाएंगे कितने सारे टूरिस्ट हैं, बहुत रश है यहाँ पे टूरिस्ट का, वो आपको दिखाएंगे हम लोग। आइए देखते हैं और क्या क्या है। और बहुत ही यहाँ का सीनिक व्यू है, बहुत ही अच्छा आ रहा है अभी, और अंडर राइड्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये क्राइस्ट चर्च का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है अंडर लाइट्स, और यहाँ पे म्यूजिक वगैरह भी और फाउंटेन्स भी जबरदस्त चल रहे हैं। वाह, क्या व्यू आ रहा है यहाँ पर। और साथ में टूरिस्ट रश देखिए आप, इतना रश है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि सारे इंडिया के लोग शिमला आ गए हैं। वैसे हमें थोड़ी फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि कोरोना का भी टाइम है। पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हुए, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट हैं, तो किसी टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी बिल्कुल ही अलर्ट है यहाँ पर। सो देखते हैं फ्रेंड्स, टूरिस्ट और भी क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और कैसे इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं न्यू ईयर ईव को। हॉर्स राइडिंग एट नाइट, वाओ। टूरिस्ट यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स का मजा लेते हुए, थोड़ा सा हम भी कुछ ट्राई कर लेते हैं। बच्चे भी हॉर्स राइडिंग करते हुए, मस्ट बी अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी ठंड है यहाँ पे रिज पे, माइनस टेम्परेचर है लगभग -2।
ये देखिए दोस्तों, अंदर लाइट्स कितना अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ पे, रिज मॉल रोड शिमला। और यह गुफा आशियाना रेस्टोरेंट है जो HPTDC के द्वारा मैनेज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिज एरिया से स्कैंडल की ओर। बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पर। और ये एम्फी थिएटर, यहाँ पे ओपन शोज ऑर्गेनाइज होते हैं। और इसके जस्ट साथ में ये जो व्यू आ रहा है, यह है केटी थिएटर का, साथ में MC नगर निगम का ऑफिस। इसको काफी आर्टिफिशियल लाइटिंग से डेकोरेट किया गया है। हेरिटेज बिल्डिंग भी है यह, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यह भी। देखिए बर्फ, काफी बर्फ पड़ी थी यहाँ पर 2-3 दिन पहले। ये HPTDC का ऑफिस है यहाँ पर, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन असिस्टेंस है। और ये हम लोग इस कैंडल पॉइंट की ओर बढ़ते हुए, ये है कैंडल पॉइंट आसपास। ये देखिए मॉल रोड का नज़ारा, साथ में टूरिस्ट यहाँ पे शॉपिंग का भी मजा लेते हुए। ये देखिए रिज से शिमला का नाइट व्यू, कितना प्यारा लग रहा है हमारा शिमला। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे दिए जल रहे हो। अच्छा लगा आपको न्यू ईयर ईव शिमला और रिज का? अच्छा लगा हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।